सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो टाइम हो चुका है रात के 10 और हम लोग घर पे बैठे थे तो खाना को तो कुछ बना नहीं था, तो सोचा चलते हैं कि रात का डिनर करके आते हैं। तो काफ़ी हम लोग थके हुए थे तो खाना वाना किसी को बनाने का मन नहीं था, तो सोचा कि बाहर डिनर करके आते हैं। और हम लोग आ चुके हैं द डाइनिंग हाउस, आप लोग देख सकते हैं। यह हमारे लोकल एरिया का रेस्टोरेंट, बहुत ही तगड़ा है, हम लोग अक्सर आते रहते हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं इसका इंटीरियर और करते हैं खाना ऑर्डर। तो दोस्तों वीडियो देखने से पहले वीडियो करते हैं लाइक और चैनल करते हैं सब्सक्राइब। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं। But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. पीनी है दोस्तों, आ जाओ पीते हैं साथ में बैठ के। जिसको वो पीनी है वो कमेंट कर दे नीचे, उसके लिए प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा खाना आ चुका है, पनीर है, शाही पनीर है, और ये है रोटियां, ये है सैलेड। तो इतना खाते हैं, इसके बाद देखते हैं अगर भूख लगती है तो फिर कुछ और ऑर्डर करते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो पेट काफ़ी फुल हो गया है। और ये रखी है कोल्ड ड्रिंक, ये तो पेट पूरा भरे दे रहे हैं, इसीलिए हमने छोड़ दिया, इसको बाद में पियेंगे। चलो फिर खाना शुरू करते हैं। और दोस्तों आप लोगों की फेवरेट डिश क्या है कमेंट करके बताना ज़रूर, जिससे हम भी तो जाने कि तुम लोग क्या खाना चाहते हो। कैसा स्वाद है भाई? ऐसे कर दो, एक नंबर एक नंबर। तो भाई ने खाना शुरू कर दिया, मिर्ची बहुत खाता है, जिसको मिर्ची लग रही हो वो बता दे। दोस्तों खाना शुरू हो गया है, तो खा के देखते हैं, बताते हैं टेस्ट कैसा है इसका। एक नंबर, मज़ा आ गया, मज़ा आ रही है, एक नंबर भाई है। दोस्तों पनीर इतना टेस्टी है ना कि खाते मुंह में एकदम घुल रहा है। कभी भी आइए आप लोग भी, कितना सॉफ्ट है। और दोस्तों ये जो रेस्टोरेंट है एक कल्याणपुर में, और ये अपने बड़े भाई का रेस्टोरेंट है कल्याणपुर में, आवाज का नंबर एक में। जो कोई भी आना चाहता है यहाँ पे विजिट कर सकता है, और लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कोई भी आना चाहता है वो यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ पे अगर आप नाम बताएंगे तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी हो जाएगा, क्योंकि भैया हमको जानते हैं और आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। तो अगर आपको कभी भी गर्लफ्रेंड के साथ या कभी कोई पार्टी करने आना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे फुल सेलिब्रेट आप कर सकते हैं। किसी का बर्थडे हो या कोई भी छोटी मोटी किटी पार्टी हो, आप लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरिया काफ़ी अच्छा है, बहुत बड़ा हॉल है, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। तो चलिए फिर दोस्तों खाना खाने के बाद मिलते हैं, आप लोग भी तब तक खाना खा लो। But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. So dosto finally khana ho gaya finish, thali ho gayi khali aur pet bhi ho gaya ekdam full। खाना था एक नंबर, खाने में आ गया मज़ा। कैसा लगा भाई? तो दोस्तों हम लोगों को कैसा लगा,
तुमको खाना खाते हुए, कमेंट करके बताएं। पेट भर गया भाई, बिल्कुल भाई बिल्कुल एकदम फुल हो। अब तो कुछ नहीं खा पाओगे? नहीं भाई। चलो दोस्तों, फाइनली हम लोगों का पेट हो गया फुल, रात का इंतजाम हो गया, कल सुबह देखते हैं क्या खाने को मिलता है। तो चलिए फिर दोस्तों, ब्लॉग को करना यहीं पे ख़त्म, और दोस्तों वीडियो कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब दोस्तों, और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहें, तो इसी तरीके से हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, और आप लोगों को ऐसे ही मज़ा देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट। तो